देहरादून से खबर और कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। अब हरीश धामी को पीसीसी में विशेष आमंत्रित सदस्य का पद भी मंजूर नहीं है। अगर कोई प्रिंट की गलती थी तो पहले बताना चाहिए था। धामी का यह कहना है, जब बात हाईकमान तक पहुंची तब क्यों बताया गया। हरीश धामी, विधायक हूं, अब नहीं जरूरत किसी पद की। पंकज पवार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे सहयोगी देहरादून से। पंकज, हरीश धामी की नाराजगी दूर होगी तो होगी कैसे, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी परेशानी? बिल्कुल आपने सही कहा। और हालांकि इस बीच में जो कोशिशें हुई कि संगठन को ये दिखाने की कोशिश हुई कि भाई हरीश धामी का जो नाम आया था प्रदेश सचिव के रूप में, उसमें वो त्रुटिवश हुआ था और उसमें किसी बाबू की गलती थी। तो अब उसके बाद हरीश धामी ने भी अब साफ कर दिया है कि अब उनको ना विशिष्ट अतिथि के रूप में जगह चाहिए, ना प्रदेश महामंत्री, ना प्रदेश सचिव। उन्होंने कहा कि मैं संगठन का सिपाही तो हूँ, लेकिन मैं एक विधायक भी हूँ, मुझे और किसी पद की जरूरत नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी है ही। तो जिस तरीके से उनके साथ पहले महामंत्री के लिए नाम भेजा जाता है और उनको सचिव बना दिया जाता है, तो ये तमाम चीजें नाराजगी की बात थी ही। ऐसे में अब हरीश धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब उनको खुली होना चाहिए और पद जिनको रखना है वो रखें। हरीश रावत भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी को भी कार्यकर्ता की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता के साथ जो भी बात करता है उसको जरा ढंग से बात करनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको हरीश धामी भी और हरीश रावत दोनों साथ कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति उसी वजह से गर्माई हुई है जी। पंकज, जब हम धामी का स्ट्राइक रेट देखते हैं, वो जब विधायक हैं और बहुत कम ऐसा देखा गया है कि इस तरह से मुखर होकर, हालांकि हरीश रावत के पक्ष में हमेशा खड़े दिखाई देते हैं, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि अगर इस तरीके से मनमुटाव छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से सामने आएगा तो? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर कांग्रेस को 2022 का रण जीतना है तो उनको एकजुट होकर दिखाना होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी तक की स्थिति है, कांग्रेस वैसे ही कम लोग बचे हैं और उसमें भी गुटों में बटे हुए नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी वाली बात है। और 2022 में अगर एकजुट होकर चुनाव ना लड़े तो और ज्यादा परेशानी वाली बात कांग्रेसियों के लिए होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2022 से पहले ये तमाम जो संगठन बटे बटे से नजर आते हैं वो एकजुट होंगे जी। ये देखना दिलचस्प होगा जी। चलिए पंकज, आप बने रहिए हमारे।